हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पेरेंटल प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे, जो कि डीफार्म सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिक सेकेंड का एक टॉपिक है, जिसमें हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और टाइप्स। तो पेरेंटल प्रिपरेशन आर डिफाइंड एज सोल्यूशन सस्पेंशन इमल्शन फॉर इंजेक्शन और इन्फ्यूज़न, पाउडर्स फॉर इंजेक्शन और इन्फ्यूज़न, जेल फॉर इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स। दे आर स्टेराइल प्रिपरेशन इंटेंडेड टू बी एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द ह्यूमन और एनिमल बॉडी। तो जो पेरेंटल प्रिपरेशन होता है, एक प्रकार से स्टेराइल प्रिपरेशन होता है, ये सोल्यूशन सस्पेंशन इमल्शन या पाउडर के फॉर्म में रहता है। इसको जनरली क्या करते हैं, सीधे सिस्टमिक सर्कुलेशन अपने ब्लड सर्कुलेशन में इंजेक्ट किया जाता है। ये डायरेक्टली मींस ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी के सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है। जनरल रिक्वायरमेंट, इसकी क्या जनरल रिक्वायरमेंट है, तो पेरेंटल प्रिपरेशन शुड बी फ्री फ्रॉम लिविंग माइक्रोब्स। तो जो पेरेंटल प्रिपरेशन है वो लिविंग माइक्रोब्स से फ्री होने चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई नहीं होने चाहिए। पेरेंटल शुड बी फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल प्रोडक्ट सच एज टॉक्सिन एंड पायरोजन। तो ये जो टॉक्सिन्स और पायरोजन हैं उनसे भी फ्री होने चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम फिजिकल कंटामिनेशन सच एज पार्टिकुलेट मैटर्स एंड फाइबर्स। तो इसमें किसी भी प्रकार का फिजिकल कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, मीन्स डस्ट, मैटर्स या धूल मिट्टी के कोई भी कण नहीं होने चाहिए। इट शुड बी मैचिंग ऑस्मोटिक क्वालिटीज विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी फ्लूइड। तो इसकी जो ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी है, इसकी ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी जो हमारी बॉडी की ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी है उससे मैच करना चाहिए, हमारा जो बॉडी फ्लूइड है उसकी ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी से मैच करना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम केमिकल कंटामिनेशन, ये केमिकल कंटामिनेशन से भी फ्री होना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी मैचिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू सेम बॉडी फ्लूइड। तो इसमें जो ग्रेविटी होती है, इसमें जो डेंसिटी या ग्रेविटी होती है, वो हमारे जो बॉडी फ्लूइड की ग्रेविटी होती है उससे मैच करनी चाहिए, अदरवाइज ये अच्छे से हमारी बॉडी में इंजेक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर इंजेक्ट भी हुए तो इरिटेशन या पेन कॉज करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन, पेरेंटल प्रिपरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, ये दो टाइप्स के दिखाया गया है, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में सोडियम सोल्यूशन ऑफ मेडिकामेंट, जिसमें या तो वो एक्वस होगा या आयली होगा, देन सस्पेंशन इमल्शन ड्राई सॉलिड टू बी डिजॉल्व इन सेल्युलर व्हीकल बिफोर यूज। कुछ ड्राई सॉलिड्स होते हैं जो कि उसके अकॉर्डिंग सेल्युलर व्हीकल में डिजॉल्व किए जाते हैं, ड्राई सॉलिड टू बी सस्पेंडेड इन सुटेबल व्हीकल, और उन्हें सस्पेंड भी किया जाता है सुटेबल व्हीकल में। सेकेंड है लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स, जो कि एक्वस होते हैं या फैट सेल्युबल होते हैं, या तो वाटर सेल्युबल होंगे या 10% फैट सेल्युबल होंगे। अब डिसएडवांटेज और एडवांटेज आप पेरेंटल प्रिपरेशन को देखते हैं, इसके क्या एडवांटेज हैं क्या डिसएडवांटेज हैं। तो पहले एडवांटेज की बात करें, स्ट्रैक डस कैन बी एडमिनिस्टर्ड, जो इसका किसी भी अगर हर्बल सोर्स से कोई स्ट्रैक लिया गया है वो भी इंजेक्ट किया जा सकता है, प्योरिटी उसको प्योर करने के बाद। प्योरिटी एंड स्टेरिलिटी ऑफ मेडिकामेंट आर इंश्योर, इसमें क्या होता है, उसकी जो प्योरिटी होती है, जो प्रिपरेशन है उसकी प्योरिटी और स्टेरिलिटी वो एकदम मेंटेन रहती है। स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग इज प्रोलॉन्ग, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो लंबे समय तक चलती है, वो ड्रग लंबे समय तक जो है स्टेबल रहेगी। नंबरस इनकम्पेटबिलिटी आर ओवरकम, जो इसमें इनकम्पेटबिलिटी होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। क्विक थेरेप्टिक रिस्पॉन्स ऑफ ए ड्रग, पेरेंटल प्रिपरेशन में क्या होता है, जल्दी से थेरेप्टिक रिस्पॉन्स प्राप्त हो जाता है। अनकॉन्सियस एंड वोमिटिंग पेशेंट दिस रूट इज पॉसिबल, अगर कोई पर्सन अनकॉन्सियस है, उसे होश नहीं है या बार बार उल्टी कर रहा है, तो
उस केसेस में वो ओरल डोज से दवा को नहीं ले पाएगा, तो उस केस में पेरेंटल प्रिपरेशन सुटेबल होता है उसके लिए। सब्सटेंस लाइक इनएक्टिवेटेड और नॉन एब्जॉर्ब जीआईटी कैन बी एडमिनिस्टर्ड। जो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो ओरली नहीं लिए जा सकते क्योंकि वो हमारे जीआईटी में सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे या घुल नहीं पाएंगे, तो ऐसे सब्सटेंस को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए पेरेंटल प्रिपरेशन का यूज़ किया जाता है। फिजियोलॉजिकल एक्शन इज लोकलाइज व्हेन डिजायर्ड। तो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में ही हमें एक ड्रग को इंजेक्ट करना है तो पेरेंटल प्रिपरेशन से ये पॉसिबल है। डिसएडवांटेज, इससे क्या हानियां हैं, इससे क्या नुकसान है। पेनफुल एंड अनकम्फर्टेबल, इससे क्या होगा, इंजेक्ट कर करते हैं तो ये पेनफुल होता है और अनकम्फर्टेबल होता है। और डिप्लेडेंट एडमिनिस्टर्ड बाय फिजिशियंस, डिप्लेडेंट होता है अगर कोई फिजिशियंस कोई डॉक्टर अगर इसको इंजेक्ट कर रहा है तो ये पेन काज कर सकता है। मोर एक्सपेंसिव मोर डेंजरस देन अदर डोजेस फ्रॉम, ये ज़्यादा महंगे होते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और ख़तरनाक भी होते हैं क्योंकि इनसे अगर हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं तो ये वहाँ पे एक तो जो इनका एक प्रकार से स्टॉक होने का की प्रॉब्लम आती है, एक ही जगह पर रुक जाते हैं जो कि बाद में काफ़ी प्रॉब्लम करता है। डिफ़िकल्ट टू करेंट टॉक्सिक इफेक्ट, जो इसका जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है, जो करेंट उसकी जो हार्मफुल इफेक्ट होता है उसको सही करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इसके फार्मुलेशन की बात करते हैं। फार्मुलेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स, इन द प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग सब्सटेंस आर एडेड टू मेक अ स्टेबल प्रिपरेशन। तो अगर हम कोई पेरेंटल प्रिपरेशंस बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगते हैं, किस किस प्रकार के इंग्रेडिएंट लगते हैं, किस किस प्रकार के सब्सटेंस लगते हैं, तो जिसमें सबसे पहला होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट या एक्टिव ड्रग्स। ये क्या होती हैं, जो हमारी मेन ड्रग्स होती है जिनका मेन थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स होता है वो एक्टिव ड्रग कहलाती है। व्हीकल्स, उस ड्रग को या जो भी इंग्रेडिएंट हमको किसमें घोल रहे हैं, किसमें डिजॉल्व कर रहे हैं, उसे व्हीकल कहा जाता है। तो वो या तो एक्वस होगा या नॉन एक्वस होगा। एक्वस में जैसे वाटर फायर इंजेक्शन हुआ या वाटर फायर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम CO2, फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। और नॉन एक्वस में जैसे इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल और आलमंड ऑयल, इनमें ये नॉन एक्वस व्हीकल के रूप में यूज़ किए जाते हैं एज अ व्हीकल इन पेरेंटल प्रोडक्ट। नेक्स्ट एडजुवेंट, और इसमें कौन कौन से ऐसे एडिटिव हैं जो यूज किए जाते हैं, जैसे सोल्युबलाइजिंग एजेंट में ट्विन एंड पॉलीसॉर्बेट, स्टेबलाइजर और एंटीऑक्सीडेंट का यूज किया जाता है जो इसे लंबे समय तक स्टेबल रखते हैं, जैसे थायो यूरिया, एस्कॉर्बिक एसिड और टेकोफेरॉल। और बफरिंग एजेंट जो इसके पीएच को मेंटेन रखने का काम करते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, सोडियम सिट्रेट और कुछ प्रिजर्वेटिव जैसे एंटीबैक्टीरियल एजेंट, बेंजील एल्कोहल या मेटासेराल या फिनॉल। चिलेटिंग एजेंट में EDTA का जनरली प्रयोग किया जाता है। सस्पेंडिंग एमल्सिंग वेटिंग एजेंट जिसमें माइक्रोसेल्युलोज या क्रिस्टलाइन या कार्बोक्सिल माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्युलोज का प्रयोग किया जाता है। और टॉनिसिटी फैक्टर, सोडियम क्लोराइड और डेक्सट्रोज का यूज करते हैं। अब प्रोडक्शन फैसिलिटीज ऑफ पेरेंटल, इसके अगर पेरेंटल प्रोडक्ट का प्रिपरेशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे हमें किस किस प्रकार की फैसिलिटी चाहिए, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द प्रोडक्शन एरिया वेयर द पेरेंटल प्रिपरेशन आर मैन्युफैक्चर्ड कैन डिवाइडेड इन 5 सेक्शन। तो पेरेंटल प्रोडक्ट के प्रिपरेशन के लिए जो प्लांट होता है उसको 5 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसे जो कि है क्लीन अप एरिया, प्रिपरेशन एरिया, एसेप्टिक एरिया, क्वारंटाइन एरिया, फिनिशिंग एंड पैकेजिंग एरिया। तो ये मेन 5 सेक्शंस हैं जिसमें जो फैसिलिटीज़ है पेरेंटल प्रोडक्ट की उसको बनाने की जो फिनोमिना उसे डिवाइड किया गया है। तो क्लीन अप एरिया क्या होता है, द क्लीनिंग एरिया हैज़ वॉल एंड सीलिंग मेड अप
फिल्म कोटिंग मटेरियल, एयर इनसाइड द क्लीन एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लीन अप एरिया क्या होता है, जहाँ पे हम तो अपना प्रिपरेशन कर रहे होते, वहाँ वहाँ का जो भी दीवार्स हैं या ऊपर की छत है वो एकदम अच्छे से उसमें फिल्म कोटिंग मटेरियल से कोट होना चाहिए, और जो उसमें एयर है वो डस्ट फ्री और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होनी चाहिए। अगला है प्रिपरेशन एरिया। प्रिपरेशन एरिया क्या होता है, प्रिपरेशन एरिया आर मीन्स ए फिजिकल लोकेशन इन विच ई लिक्विड कंपोनेंट आर मिक्स्ड रिपेयर्ड और रिसाइज फॉर सेल टू द कंज्यूमर। तो प्रिपरेशन ये जहाँ पे हम अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एरिया की बात कर रहे हैं, वो एरिया क्या होना चाहिए, अच्छे से एकदम क्लीन होना चाहिए, अच्छे से एकदम साफ होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, और जितनी गाइडलाइन के अनुसार जितना एरिया दिया गया है वो कितने स्क्वायर फुट है पूरा अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए जीएमबी के अकॉर्डिंग। एसेप्टिक एरिया, एसेप्टिक एरिया क्या कहता है, एन एसेप्टिक एरिया इज ए परमिस इन अ क्लीन एरिया डिज़ाइन कंस्ट्रक्टेड सर्वाइस्ड एंड यूज्ड विथ एन इंटेंशन टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो एसेप्टिक एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे किसी भी प्रकार का कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, और वहाँ पे इन पेरेंटल प्रोडक्ट को बनाया जाता है। ये एसेप्टिक एरिया डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे एक पेरेंटल प्रिपरेशन का पूरा चार्ट दिखाया गया है, जिसमें एक जगह पे ऑफिस है, स्टोर रूम है, प्रिपरेशन एरिया दिखाया गया है। इस प्रिपरेशन एरिया के बाद जो भी प्रोडक्ट है एसेप्टिक एरिया में, फिर उसे क्वारंटाइन एरिया में भेजा जाता है। क्वारंटाइन एरिया के बाद उसे पैकेजिंग और फिनिशिंग एरिया से उसे क्वालिटी कंट्रोल और स्टोरेज बाहर शॉपिंग, और इधर प्रिपरेशन एरिया से उसे स्टोर रूम से, या फिर स्टोर रूम के बाद उसे क्लीनअप एरिया में, क्लीनअप एरिया से प्रोडक्शन एरिया में। तो इसमें कौन कौन से जो भी हमारा प्रिपरेशन है वो किस किस एरिया में किस तरह से जाता है उसे एक प्रकार से दिखाया गया है डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर के थ्रू। क्वारंटाइन एरिया क्या होता है, द पर्पस ऑफ क्वारंटाइन इज कंटेन द कंटामिनेशन सच एज अदर एनिमल्स फूड और प्रोडक्ट आर नॉट पुट एट रिस्क विद इन अ फार्मास्यूटिकल फैसिलिटी द क्वारंटाइन फंक्शन टिपिकली फॉल अंडर क्वालिटी ऑपरेशन। तो क्वालिटी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए अपने प्रिपरेशन को क्वारंटाइन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो इधर उधर अगर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में अगर ऐसे रख दिया जाएगा तो उसमें कुछ अदर सब्सटेंस मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसको अगर हमारा प्रोडक्ट प्रिपेयर हो गया है तो उसे एक सेपरेट एरिया में रख दिया जाता है, उस एरिया को कहा जाता है क्वारंटाइन एरिया। नेक्स्ट है फिनिशिंग एंड पैकेजिंग एरिया। पैकेजिंग एरिया मीन द एरिया ऑफ कलेक्शन साइट इन विच द परमिटी पैकेज टू कलेक्टेड वेस्ट इनटू यूएस डॉट अप्रूव शॉपिंग कंटेनर्स सैंपल्स। तो अगर पूरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो गया है, उसका पूरा कंप्लीट हो गया है प्रोसेस, तो उसकी फिनिशिंग और पैकेजिंग के लिए एक सेपरेट एरिया हो बनाया जाता है, जहाँ पे उसकी पैकेजिंग की जाती है, अच्छे से लेबलिंग की जाती है, ताकि किसी भी प्रकार का एरर ना हो। जब प्रोडक्ट अच्छे से बन जाता है उसे क्वालिटी एश्योरेंस के द्वारा अप्रूव करके तब फिनिशिंग और पैकेजिंग एरिया में भेजा जाता है। उसके बाद उसकी पैकेजिंग की जाती है, पैकेजिंग की को भी एक प्रकार से देखा जाता है अच्छे से पैक्ड हुआ है कि नहीं, फिर उसे सेल के लिए आगे भेजा जाता है।